अब क्या होता है फोर्स ऑन मूविंग चार्ज पार्टिकल। अगर क्यू चार्ज पार्टिकल है और वी वेक्टर से अगर मूव कर रहा है तो उस पर कितना फोर्स, मैग्नेटिक फोर्स कितना लगता है? इलेक्ट्रिक फोर्स क्लियर था आपको, क्यू ई वेक्टर इलेक्ट्रिक फोर्स था एक चार्ज पार्टिकल के ऊपर, ठीक है। और लेकिन अगर मूविंग चार्ज पार्टिकल मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी बी वेक्टर में है तो उस पर फोर्स कितना लगेगा? क्यू वी क्रॉस बी लगेगा। बी वेक्टर क्या है यहाँ पर? मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी है, ठीक है। बी वेक्टर क्या है आपका? मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी ऑफ पार्टिकल, ठीक है। और ऐसा यूनिट बी वेक्टर की क्या होती है? टेस्ला। सीडीएस यूनिट क्या होगी? गॉस। तो 1 टेस्ला इक्वल टू 10^4 गॉस, ये याद रखना है। कभी गॉस में ही दे दे और फिर ऐसा ही इनमें आंसर यूनिट में कोई आंसर पूछा हो तो आपको ये बिल्कुल ध्यान होना चाहिए कि ऐसा यूनिट और सीडीएस यूनिट फील्ड इंटेंसिटी की क्या होती है, ठीक है। डायरेक्शन ऑफ फोर्स बाय द राइट हैंड थंब रूल क्रॉस प्रोडक्ट से देंगे। तो ये पूरा चैप्टर केवल क्रॉस प्रोडक्ट का खेल है, अगर वो आपको आता है तो इसमें कहीं भी दिक्कत नहीं आती कि ए क्रॉस बी की डायरेक्शन कैसे देखते हैं, ठीक है ना। ए क्रॉस बी की डायरेक्शन कैसे देखते हैं, क्या करते हैं? सबसे पहले प्लेन डिसाइड करा करो, देखो ये बहुत सिंपल है क्योंकि सब कुछ इसी प्लेन में है। लेकिन आप जो मैं मेथड बता रहा हूँ उसको ध्यान रखो कि सबसे पहले आप प्लेन डिसाइड करा करो कि ए और बी किस प्लेन में है, ठीक है। तो ए क्रॉस बी क्या होगा? उस प्लेन के परपेंडिकुलर होगा। परपेंडिकुलर दो डायरेक्शन पॉसिबल है, जैसे ए और बी इस पेपर के प्लेन में है, ठीक है। और आपका परपेंडिकुलर ये भी हो सकता है आउटवर्ड पेपर के, और आपका परपेंडिकुलर इनवर्ड भी हो सकता है, ठीक है ना। तो आपने अगर प्लेन डिसाइड कर लिया कि ए और बी पेपर के प्लेन में है तो दो डायरेक्शन में से एक चूज करनी है आपको, या तो बाहर की तरफ या अंदर की तरफ। तो जो बाहर की तरफ डायरेक्शन होती है उसको डॉट से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है ना। बाहर होगा पेपर के प्लेन के आउटवर्ड आपकी तरफ, तो दैट इज रिप्रेजेंटेड बाई डॉट। और अगर आपका परपेंडिकुलर टू द प्लेन इनसाइड होगा दैट इज रिप्रेजेंटेड बाई क्रॉस। तो ए क्रॉस बी की डायरेक्शन या तो डॉट होगी या भी क्रॉस होगी। तो अब इनमें से एक चूज करने के लिए राइट हैंड थंब रूल का सहारा लेते हैं कि आप ए से बी की तरफ फिंगर्स को कर्ल करेंगे तो जो आपके थंब की डायरेक्शन होगी, समझ रहे हैं आप, ए क्रॉस बी के आप कर्ल करेंगे तो जो आपकी थंब की डायरेक्शन होगी दैट विल बी डायरेक्शन ऑफ ए क्रॉस बी। तो ए क्रॉस बी की डायरेक्शन डॉट हो जाएगी। और अगर बी क्रॉस ए आपको निकालना है तो बी से ए की तरफ वेक्टर बनेगा इस तरह का। अगर आपको बी क्रॉस ए देखना है तो बी वेक्टर ए वेक्टर, तो बी से ए की तरफ एरो बनेगा। अपनी कर्ल फिंगर्स, आपको फिंगर्स किधर कर्ल करनी है? बी से ए की तरफ, ठीक है। तो बी से ए की तरफ करेंगे तो आपका थंब नीचे की तरफ जा रहा है बेटा, तो आपका जो क्रॉस प्रोडक्ट की डायरेक्शन क्या हो जाएगी? अंदर की तरफ हो जाएगी, क्रॉस हो जाएगी। वेक्टर ए क्रॉस बी विल बी परपेंडिकुलर टू द प्लेन हैविंग ए वेक्टर एंड बी वेक्टर, ठीक है। तो हेंस विल बी परपेंडिकुलर, तो आपको ये भी पता होना चाहिए कि ए क्रॉस बी से जो वेक्टर आएगा वो बोथ ए वेक्टर एंड बी वेक्टर के परपेंडिकुलर होगा, ठीक है। तो ये बहुत बेसिक सा क्रॉस प्रोडक्ट था, लेकिन क्या आपको इस तरह का भी आता है क्या? ध्यान से सुन लीजिए एक बार, किसी को भी थोड़ी दिक्कत हो तो उसको बहुत ही ध्यान, जैसे मान लो ए वेक्टर ये है बी वेक्टर ये है, तो ए क्रॉस बी किधर होगा इसमें? खुशी आपको क्लियर है ए क्रॉस बी की डायरेक्शन किधर होगी? बी आउटवर्ड आउटवर्ड, मतलब प्लेन नहीं, आप इशिता सही बताओ, ए क्रॉस बी की डायरेक्शन हाँ इस तरफ होगी कि नहीं? इशिता क्लियर है बेटा एकदम? देखो दिक्कत तो नहीं किसी को? ए क्रॉस बी इस डायरेक्शन में बनाने में किसी को दिक्कत तो नहीं? पूरा चैप्टर इसी सबका खेल है, तो इसमें कहीं किसी को भी दिक्कत हो तो अभी बता दे मुझको, ठीक है ना। मैं थोड़ा सा और एक्सप्लेन कर दूंगा, लेकिन बाद में नहीं हटकेंगे, बाद में टाइम ही नहीं होगा, मैं फटाफट निकलूंगा क्रॉस प्रोडक्ट लेते हुए। तो आपकी स्पीड भी वैसे ही चलनी चाहिए। ये ए वेक्टर है, बी वेक्टर किधर है अभी? बी वेक्टर ऊपर की तरफ है इस तरह का। तो आपको ए क्रॉस बी आप बना सकते हैं क्या? किस डायरेक्शन में होगी बताइए? शेडो की तरफ होगी या शेडो के अपोजिट डायरेक्शन में होगी? ए क्रॉस बी डॉट डॉट है, ठीक है ना, क्लियर है आपको? तो ए क्रॉस बी किधर आएगा आपका? इस डायरेक्शन में आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा? क्लियर है बेटा? क्या करना है देखो, सबसे पहले प्लेन डिसाइड करना है, ए और बी का प्लेन ये वाला प्लेन है, इस प्लेन में आपका ए और बी कंटेन कर रहे हैं, ठीक है। तो आप क्या करेंगे, डिसाइड हो गया या तो इधर होनी है या उधर होनी है, क्योंकि इस प्लेन के परपेंडिकुलर दो डायरेक्शन, या तो इधर है या इधर है।
और फिर देखने के लिए आप इसको देख लो बस एक बार, फिर आपको बिना सोच के ही कर लोगे, ऐसे करने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है ना। बट प्लेन पहले से देख लो, उस प्लेन के परपेंडिकुलर होना है, किसी भी प्लेन के परपेंडिकुलर दो चीजें हो सकती है। तो आपका किधर आ गया, ए क्रॉस बी इस साइड आ गया, ठीक है। और आपका अगर मैं बोलूं ए क्रॉस बी, बी अंदर की तरफ है, तो बताइए किधर होगा। ए क्रॉस बी से अगर निकालना है तो किस डायरेक्शन में आएगा, क्रॉस है, ध्यान रखो क्रॉस है। तो अब ये शेडो की साइड होगी या शेडो के अपोजिट डायरेक्शन में होगी, ए क्रॉस बी। हाँ, बी की डायरेक्शन ये है देखो, ठीक है ना, थोड़ा ध्यान से करो, बी अंदर की तरफ है, तो ए क्रॉस बी किधर है, बी क्रॉस है बेटा यहाँ पे देखो, बी क्या है, हाँ बी क्रॉस है, देखिए गलत कर रहे हो ना यार, ये गड़बड़े हैं। ए क्रॉस बी की डायरेक्शन बताओ, ए क्रॉस बी, बी आपका क्रॉस ही अंदर की तरफ है प्लेन के, तो ए क्रॉस बी शेडो की तरफ आएगा या शेडो के अपोजिट आएगा। देखो प्लेन तो सेम है अपना, आप कंफ्यूज क्यों हो रहे हो। ए क्रॉस बी, अरे अरे यार ये ऐसे मत करो बेटा, ये कई बच्चे गलत कैसे बता रहे हैं यार, ये सब देखो उनको किसी और रीजन से गलती हुई, क्लियर है क्या। वापस देखो, ए क्रॉस बी आपका बी अंदर की तरफ है, देख लो एक बार ध्यान से, बी आपका अंदर की तरफ है, हाँ, और आपका ए वेक्टर ये रहा, ए वेक्टर इधर है, ठीक है ना, ए वेक्टर। तो ए एरो बनाओ, किधर से किधर बनाओगे ए क्रॉस बी के लिए एरो बताओ। इस तरह की सिचुएशन है, इस वाले से बी की तरफ एरो बनाना है, तो एरो आपका इस डायरेक्शन में जाएगा कि नहीं, ऐसे ऐसे जा रहा है, तो अंगूठा किधर जा रहा है, देखो अंगूठा इस साइड आ रहा है कि नहीं, ठीक है ना। और कभी आपके क्रॉस में दिक्कत हो रही है तो आप डॉट करके देख लो, उसकी उल्टी हो जाएगी। मान लो अगर बी वेक्टर डॉट होता है इस तरह का, ये बी वेक्टर है, ठीक है, तो आपका बी वेक्टर आप देख सकते हैं ए क्रॉस बी इधर जा रहा है, यहाँ से इधर बनाएंगे ना इस तरह का, ये आपका बी वेक्टर होगा, ठीक है। तो ए से बी की तरफ अपना एरो ड्रॉ करके फिंगर्स कर्ल करो, किधर जाएगा आपका बताइए। ऐसे करेंगे, ए से बी की तरफ चलेंगे तो इधर जा रहा है कि नहीं, इधर क्या आएगा आपका। इस केस में ए क्रॉस बी किस डायरेक्शन में आने वाला है, इस डायरेक्शन में आने वाला, चेक करो बेटा, ये क्लियर होना चाहिए, ठीक है। बताओ ए वेक्टर बी वेक्टर, डॉट कर रहा हूं मैं, अब इसका सही बताना सब, ए क्रॉस बी, हाँ ए क्रॉस बी की तरफ कर्ल करिए। देखो पहले तो ये क्लियर है कि ये प्लेन है, तो या तो इधर होगा या इधर होगा। अब चूज करने के लिए आप फिंगर्स कर्ल करिए, ठीक है ना, चूज करने के लिए आप फिंगर्स कर्ल करिए ए से बी की तरफ, ठीक है। तो या तो ऐसे कर लो या ऐसे कर लो, कैसे भी कर लो, इस तरह से ए क्रॉस बी कर लो, तो अंगूठा उधर ही जा रहा है ना। और जब ऐसे कर रहे हैं इसका, हाँ इसका चलो माइनस आई कैप, ये आपकी एक्स एक्सेस है मान लो, तो इसका आई कैप होगा या माइनस आई कैप होगा, इसमें देख लें सब, क्लियर हो रहा है क्या, बताओ एक बार सबको, कोई गलत, बड़ा क्लियर है सबको। इसका ए क्रॉस बी, इसका देख लीजिए, इतना भी आता है तो भी सही है, इतना भी चल जाएगा हमारे तो इससे काम। ये ए वेक्टर है, बी वेक्टर है, तो ए क्रॉस बी इधर से इधर फिंगर्स कर्ल करें, तो ऐसे फिंगर्स कर्ल करोगे तो क्या होगा आपका, देखो उल्टी करोगे, ऐसे कर रहे हो तो इधर जा रहा है, तो बी क्रॉस ए हो गया, ठीक है ना। तो ए क्रॉस बी किधर आएगा, इस डायरेक्शन में, ये आपकी किसकी डायरेक्शन होगी, ए क्रॉस बी वेक्टर की डायरेक्शन। इसी तरह डाउट है क्या आपको, इसमें आपको नहीं आया, किसको नहीं आया बताओ, मैं उस पर फोकस करूँ, किस किस को आ गया है सारी डायरेक्शन, वो एक बार हैंड रेज कर दो जल्दी से, ए क्रॉस बी किस किस को आता है, वो हैंड रेज कर दो जल्दी से, जिस जिसको आ गया है। अरे यार तो बहुत दिक्कत है यार, कुछ खुशी को है, ए क्रॉस बी अच्छा चलो ठीक है, कोई बात नहीं, फिर सबको आ गया, इसका मतलब हैंड रेज नहीं हो रहा था, अपने आप भगवान चाह रहे हैं कि आप लोगों को आ गया और अपन आगे बढ़े। तो ये ए वेक्टर है, और अगर मैं कह दूं कि इतना तो आ रहा है, देखो इसमें दिक्कत नहीं है, बी वेक्टर है, तो आप क्या करते हो, प्लेन देख के इस तरह का कर्ल आपको उसमें भी करना है ऊपर वालों बेटा, देखो आप इस तरह का कर्ल, क्या एरो बनाते हो ना, तो एरो इमेजिन करो ऊपर नीचे हो, तो उसमें क्या दिक्कत है, एरो बना के आप ऐसे फिंगर्स ले जाते हो, ठीक है ना, एरो के अकॉर्डिंग कर्ल करते हो, तो आपको अपने आप डायरेक्शन मिल रही है कि नहीं मिल रही है, ये अंगूठा जिधर जाता है, तो ऐसे ही आप इसमें भी करो ना,
इसमें देखो आपका जैसे ये वाला है, ठीक है ना, तो मैं इसको ए वेक्टर कहा, मैंने इसको ये एक्सप्लेन कर रहा हूँ, ये आपका बी वेक्टर डॉट अगर मैं कह रहा हूँ इस तरह का है, तो आप देखो इसमें दिक्कत तो नहीं है, शेडो वेडो में मत जाओ अभी, ठीक है ना। आप ये बताओ ये बी वेक्टर है ऊपर की तरफ, तो ऐसे इधर की तरफ जा रहे हो कि नहीं, आप ए से लेकर बी की तरफ, ए से लेकर बी की तरफ जा रहे हो कि नहीं, ठीक है ना। तो ए से बी तक आप कर्ल करोगे, तो इधर फिंगर्स कर्ल करोगे तो ए क्रॉस बी किधर आएगा, इस डायरेक्शन में आएगा, बताइए, ठीक है ना। तो ये किसकी आएगी, ए क्रॉस बी, अगर अंदर की तरफ होता यही अंदर की तरफ होता प्लेन के, ठीक है ना, यही अगर प्लेन की अंदर की तरफ होता ए वेक्टर इस तरह से, तो अब आप ए बी वेक्टर नीचे की तरफ है आपका, ठीक है ना, बी वेक्टर नीचे की तरफ है आपका, ये बी वेक्टर मान लो नीचे की तरफ है, इसके ऊपर ए वेक्टर रखा हुआ है इस तरह से, तो अब आप ए से बी की तरफ ऐसे कर्ल करो। इसमें बेटा ये डॉट है, यहाँ पे डॉट, हाँ ये सबको क्लियर है क्या, आई कैप में आ रहा, देखो इसका क्लियर है, ये बी वेक्टर क्रॉस अंदर की तरफ है, तो ए क्रॉस बी की डायरेक्शन, ए वेक्टर बी वेक्टर अंदर की तरफ, तो ए से बी की तरफ जा रहे हैं, तो आपको सबको दिख रहा है क्या बेटा, ए क्रॉस बी इधर आ रहा है, देख लो एक बार, कोई दिक्कत तो नहीं आता, ए क्रॉस बी ए से बी की तरफ, अब यहाँ पे किसी को दिक्कत हो तो बताओ बेटा, इस तरह सारा क्रॉस प्रोडक्ट राइट हैंड थंब रूल से निकलता है और कोई तरीका नहीं, और मैक्सिमम क्वेश्चन इसी से निकल, ठीक है ना, ये पूरा चैप्टर इसी क्रॉस प्रोडक्ट से गवर्न हो रहा है और कोई उसमें फंडा है ही नहीं दूसरा, ये दिखता है तो फटाफट सब चीजें दिखती हैं, ठीक है ना। मैंने वेक्टर क्रॉस प्रोडक्ट वेक्टर में जहाँ पे पढ़ाया होगा ना वीडियो में, वहाँ पे और भी बहुत सारे एग्जाम्पल ले रखे हैं 11th वालों को समझाने के हिसाब से, ठीक है ना, तो आप एक बार वो देख लेना, डाउट आ रहे हैं तो उसके बाद नहीं आने चाहिए आप, ठीक है ना। यहाँ तो मैं दो तीन ले रहा हूँ, वहाँ पे उनको बहुत देर तक समझाना पड़ता है ना 11th वालों को, वो वैक्टर में यहाँ पे वैक्टर वाली जो प्ले लिस्ट है उसमें क्रॉस प्रोडक्ट में होगा वो, इस तरह के खूब एग्जाम्पल्स, ठीक है ना। चलिए तब मैं आगे बढ़ रहा हूँ, तो बेसिक वही रखना है कि प्लेन डिसाइड कर लें, प्लेन मिल गया इधर या उधर, तो ये कर्ल ऑफ फिंगर्स अपने आप दे देगा, ठीक है ना, कर्ल ऑफ फिंगर्स अपने आप आपको डायरेक्शन स्पेसिफाई कर देगा, बिल्कुल ऐसे ही जैसे यहाँ सबको आता है ये सबको आ जाता है, ऐसा ही प्रोसेस हर जगह रखना, ए से बी की तरफ एरो बना दो, ए से बी तक कर्ल कर लो, जो थंब की डायरेक्शन होगी दैट विल बी डायरेक्शन ऑफ ए क्रॉस बी, ठीक है ना, बी क्रॉस ए अगर करेंगे तो देख लो आपकी फिंगर अंगूठा अपने आप अंदर की तरफ जा रहा है, तो आपके सोचने से आ जाएगा, बट उठाना भी आदमी बार सोचोगे इधर करूंगा तो मैं नीचे की तरफ जाए, ठीक है ना, क्लियर है। बट आप ये डिसाइड कर लें, प्लेन लेके फिर डायरेक्शन देख लें जल्दी से, क्योंकि बेटा मैं कोई भी लेफ्ट हैंड तो यूज करना ही नहीं है, पहली बात ये, ठीक है ना, पूरी फिजिक्स में राइट हैंड का ही यूज है, कभी भी लेफ्ट हैंड से कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए किसी भी लॉ में, तो दो तीन जगह आएगा, एक जनरेशन में हम देखेंगे करंट कैरिंग वायर के कारण फील्ड की डायरेक्शन, वहां पर आ जाएगा एक कर्ल ऑफ फिंगर्स के अलोंग फील्ड आता है, ठीक है ना, नहीं तो हम वहां पे भी क्रॉस प्रोडक्ट से हर जगह सब कुछ कर सकते हैं, वहां भी उसकी जरूरत नहीं है, किसी भी और लॉ की जरूरत नहीं है, क्रॉस प्रोडक्ट से सारी डायरेक्शन निकल सकती है आपके पूरे मैग्नेट, ठीक है ना। बट क्या कह रहे हो बेटा, हाँ नहीं करना बेटा इसी, भूल जाइए आपने कुछ ऐसा सीखा है तो बिल्कुल बिल्कुल भूल जाइए, ठीक है ना, कभी अपना पर्पस सॉल्व नहीं करेंगे, लेफ्ट हैंड उठाना ही नहीं है फिजिक्स में, ठीक है ना, सारा राइट हैंड है अपना, क्लियर है बेटा एकदम, हाँ। तो बाकी और किसी से देखते हो, या तो बहुत ही ज्यादा प्रैक्टिस हो गई हो किसी को छोड़ ही नहीं पा रहा है वो यूज कर ले, नहीं तो कहीं नहीं उठाना, जो आप मेरे साथ पढ़ रहे हैं सब राइट हैंड से, ठीक है ना, पहले ही तो ये क्लियर कर ले बिल्कुल, नहीं तो 11th वाला वीडियो देखें थोड़ा भी दिक्कत है, जिसको ये सब क्लियर है उसको देखने की जरूरत नहीं, उसको आता है ये सारे एग्जाम्पल, ठीक है ना, क्लियर है इशिता, देखो डाउट तो नहीं बेटा आपको इसमें, आ गई आपको डायरेक्शन देखना, या थोड़ा कंफ्यूजन है आपको बताइए, आवाज कट गई आपकी, दोबारा बोलो, ओके ओके ठीक ठीक है बेटा, चलिए तो आगे बढ़ रहे हैं।